हाँ जी इट्स ओनली एप क्या की माफी तो मांगनी चाहिए देखो जी एक महीना हो गया है कि हमने 420 ग्राम का यहाँ पे एपिसोड नहीं किया नया साल आ गया है लेकिन 420 ग्राम का नया एपिसोड आया नहीं तो इट्स ओनली हम शो की शुरुआत आप सब लोगों से ये देखिए हमारे हाथ जोड़ो तो, हाथ जोड़ते मिन्ती मांगते हुए कहते हैं हम माफी मांगते हैं हम हैं लेजी लोग और लेजी लोगों का इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है ये उपाय है यू हैव टू बेयर विद देम एंड व्हेन यू बेयर विद देम देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड फॉर मी आप देख रहे हैं 420 ग्राम का एक नया नवेला एपिसोड मेरा नाम है अर्जुन और मेरे साथ हैं दाढ़ी बना के नए फ्रेश बन के दो में हमारे साथ आने वाले सिद्धांत एनी हम दोनों ने आपसे माफ़ी मांग ली तो माफ़ी का टाइम खत्म है लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं इस 2020 के नए एपिसोड में उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेटरन जर्नलिस्ट जो फुटबॉल को बहुत करीबी से हमारे देश में फॉलो करते हैं जयदीप बासू सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो और सीधा मुद्दे की बात करते हैं देखिए जी अभी जो अगर आप देखें ना इंडियन फुटबॉल की जो बात चल रही है उसमें जो सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब्स में से एक मोहन बगान का मर्जर होने वाला है विद आई का कोलकाता फ्रेंचाइज एटीके। के तो सर मैं सीधी बात पर उस पर घुसता हूँ इसके ओरिजिन कब से हैं क्या है इसकी थोड़े बहुत डिटेल्स इस मर्जर के एंड विल द नेम रिमेन द सेम मोहन बगान और विल इट बी अ मिक्सचर ऑफ एटीके एंड मोहन बगान देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले जवाब देता हूं नेम ड मैटर एट ऑल दिस इज दिस इज वन बिकॉज इट्स अ कैलकट बेस्ड टीम

तो so, एक्सेप्शनली अच्छा कर रहा है yeah. लेकिन अभी लॉयल बैंड ऑफ सपोर्टर्स जो बोलते हैं दे हैव दैट्स वेरी दी आई एस एल तो फिर तीन फ्रेंचाइज कैसे रखेंगे कैलकाटा में देखिए इसमें दो, दो, दो पार्ट है एक साइड तो यह है कि हाउट आई एस एल दे उन वो चाहते हैं कि मोहनबगान ईस्ट बंगाल उनकी तरफ आ जाए क्योंकि दे आर बिग नेम्स विल बेनिफिट नेम्सलिफिटिंग ऑन द अदर साइड आप ये भी देखिए मोहन बगान ईस्ट बंगाल आर आल्सो इक्वली डिस्परेट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देयर इज नो सेकंड थिंग दे मे डिनाइड राइट लेफ्ट एंड सेंटर दे आर डिनाइंग इट एवरी डे एवरी नाइट बट दे हैव मैसिव फाइनेंशियल प्रॉब्लम यू गो देयर एंड आस्क मोहन बगान प्लेयर्स दो दो महीने तीन तीन महीने वो सैलरी नहीं देते हैं मैं बोल सकता हूं। तो थोड़ा अगर हम historical perspective से देखें, जब आई एस एल शुरू हो रहा था हम लोग तो इस बारे में काफी चर्चा करते आ रहे हैं काफी सालों से आई शुरू होने से दो तीन साल पहले से हम लोग बात करते आ रहे हैं जी, जी, जी। थोड़ा हिस्टोरिकली अगर देखें तो एक फुटबॉल क्लब को अपना आइडेंटिटी बिल्ड करने में अपना फैन बेस बिल्ड करने में कम्युनिटी एंगेजमेंट बिल्ड करने में समय तो लगता है तो आपके हिसाब से क्या है इज दिस अ शॉर्टकट टू ब्रिंग इन दीज एग्जिस्टिंग बिग नेम्स एंड देन अवॉइड द एफर्ट ऑफ अ न्यू क्लब क्रिएटिंग इट्स ओन नया फैन बेस नया आइडेंटिटी मे बी अ पैन कोलकाता काइंड ऑफ फील टू इट वेद द डिवाइड बिटवीन विच इज़ अ वेरी क्लियर डिवाइड बिटवीन ईस्ट बंगाल मोहन बगान लाइक वी सी विद एफ सी गोवा राइट ट्रेडिशनली हमारे पास चार पांच क्लब्स थे गोवा से डेम्पो सलगांवकर वास्को चर्चिलिडेटेड इन टू अंटिटी दैट सपोर्टेड गोवन फुटबॉल इन दी आई एस एल राइट सो वॉज दे नॉट अ सिमिलर ऑपरचुनिटी विद एटी के एंड नाउ आर देट दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट कोलका देखिए जो गोवा के साथ आप जो हुआ है गोवा में आई के लिए थोड़ा सा इजी भी हो चुका है इसीलिए क्योंकि बोथ डिम्पो एंड सलगांव का डिसाइडेड टू शट शॉप एट द नेशनल लेवल प्लेइंग एट द लोकल लेवल गोवा लीग खेलते हैं इसी hmm. बात नहीं है hmm. लेकिन नेशनल लेवल सो इट बिकेम इजी फॉर देम बिकॉज दे फटाफट दे शॉर्ट शट शॉप बट बट एंड ऑल्सो स्पोर्टिंग क्लब देखो गोआ दे ऑल्सो अब चर्चिली बचा है उनके पास लेकिन मोहन मगान ईस्ट बंगाल का प्रॉब्लम है मोहन मगान ईस्ट बंगाल कैनॉट शट शॉप बिकॉज इट डजेंट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल है ना तो hmm. इतना मार पड़ेगा hmm. कि फ्रैंकली स्पीकिंग बिकॉज इट्स नॉट ए डिसीजन ऑफ मिस्टर शिवानंद सलगांव और मिस्टर श्रीनिवास टेम्पो दैट हमने कल हमने बंद कर दिया ठीक है आप hmm. कर लो जो मर्जी hmm. hmm. क्योंकि आई पे एवरीथिंग आई डोंट पे फ्रॉम टुमारो

तो उनको तो आप बंद नहीं कर सकते तो जो और आप जो कह रहे हो कि टाइम लगता है टाइम hmm. तो जरूर लगता है आईएसएल का और एक प्रॉब्लम हो हो गया है कि आईएसएल में कुछ टीम है दो दे आर सेल्फ सस्टेन सेल्फ सस्टेन है उनके पास देर आर एटलीस्ट थ्री टीम आर नॉट सेल्फ सस्टेंट मैं आई आई मतलब आई रेफर फ्रॉम फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स रेफरिंग फ्रॉम टेकिंग देयर नेम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम दे हैव मैनेज्ड दैट इज मैनचेस्टर सिटी ईसी सिटी हैज कम फॉर सिटी फुटबॉल ग्रुप बट देयर टू टू मोर स्टिल टीम टीम्स उनको एफएस रियल हैज टू हेल्प देम आउट इन सम वे ऑर द अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी अब इसीलिए अब मोहन बागान को अगर मिल रहा है एटी के साथ एक 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 बने बने फैन बेस उनको मिल रहा है तो दे से लेट्स टेक इट सर डिलेमा डिलेमा तो ये हो गया ना जो आपने पहली जो आपने दमदार बात बोली है कि दे आर नॉट मेकिंग मनी बोधीज क्लब्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है मोहन बगान हो गया ईस्ट बंगाल तो फिर ये मर्जर के बाद फाइनेंशियल्स कैसे आपके ठीक होंगे यहाँ पे इन 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 लीग योर बजट्स फॉर अ सीजन आर टचिंग ऑफ अपर्ड्स मोर देन दैट मोर देन दैट मैनेज्ड Now ATK has come in. ATK has come in means Sanjeev Goenka has. So you are in. saying financial will be from RPG only. Of course they are taking I think they 80-20 or 76-24. some which I don't know. I was not a party to it so hmm. I can't really say about it. But 70 what I hear from people <coughs> ha, <Haan>, ki, हाँ कि seventy भी नहीं होगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पचात्तर पच्चीस होगा उससे ज़्यादा मिस्टर गोएंका will not agree to it. Hmm. Even I wouldn't have agreed to it. हाँ तो उसी पे जा रहा है so Mm. ATK or RPG Group will have a major say in running the club. So then so then, if RPG Group will have a major say in running the club and we know historically mm. that these clubs for as much love and support they've given to Indian Football the insights and the runnings of these clubs is a major, major mess. Right? Now yeah. suddenly you're bringing someone who has 75% stake of the club And all the money. And all the money. the, the a Potential clash is on the cards then. Massive clashes on the the cards, uh, which which uh, perhaps the, even the Mohan or East officials, which perhaps even or officials, are are now with Qais, hmm. are, are facing. But they have no way दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ पांच करोड़ में टीम बन जाए बन जाता था वो फिर भी इधर उधर से बन जाता था इवन मोहन बगान इन्फ्लुपल इनकट वो बन जाता था अब तो, तो वो भी नहीं है hmm. और दूसरा चीज आपको एक चीज मतलब हिस्टोरिकली एक चीज देख लीजिए बेंगाल बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इंडिजिनस बिजनेस फॉर इयर्स मोहनबगान एंड ईस्ट बेंगोल वेयर वेयर स्पॉन्सर्ड बाय ए बेंगल कंपनी इफ यू डोंट हैव इंडिजिनस बिजनेस आपकी क्लब आगे नहीं जा सकते हैं hmm. जो इंग्लैंड में हुआ है people are coming from uh, Saudi Arabia, from uh, Qatar, from China, uh, USA, China to uh, to buy buy out your clubs. Mm -hmm. yeah. yeah. So, वही कलकत्ता दोनों club में हुआ है। यहाँ भी शुरू हो रहा है। uh, Like you said, अभी mentioned जो आपने किया था, city group coming in। Come, uh, हाँ। like वो तो Bombay में तो फिर भी indigenous business है। hmm. Maharashtra is a, is a is a prosperous state। sure. Local businessman हैं।

वन मोर नेम आई फॉरगेट वेमी थर्ड इज मिस्टर सौरभ गंगुल्साइम एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहे वो एटी के वाले हों चाहे वो आपके मोहन बगान वाले बिजनेस फॉर अग टाइम मेरा एक सिंपल थिंकिंग है जितने ज्यादा डिसीजन मेकर उतना ज्यादा आपका थोड़ा ना वहां पे

अपने अपने से आने वो सब भी तो बंद हो गया शुरू कब हुआ था देर फॉर मेनी ईयर मोहन मकान का प्रॉब्लम है मेन प्रॉब्लम जो है दे हैड रिमेन वेरी इरेस्पॉन्सिबल कंप्लेसेंट इन कंप्लेसेंट नो Their main target was winning trophies. Yeah, local mm -hmm. league. Ha, lo not but local league. Mohun East Bengal. The number of trophies Mohun Bagan, East Bengal have won in India in next fifty years nobody will be able to match. Hmm. Mohun Bagan. Fifteen times, uh, fourteen times Federation Cup champions. Fifteen times Durand Cup champion. Eleven times Rovers Cup champion. I think seventeen or eighteen times I official champions. कैलकटा लीग आई थिंक दे हैव वन वो तो ठीक है छोड़ दो दो टीम में कोई एक जीतता है दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर तो विनिंग रिमेन देयर मेन प्रॉब्लम जीतना है तो so, इससे थोड़ा एक प्लेयर ले लिया उससे एक प्लेयर ले लिया मोहन मगन ईस्ट बेंगाल का उन दिनों में सबसे एंड प्लस पॉइंट क्या था दे हैड ट्रिमेंडसली गुड स्पॉटर्स देयर स्पॉटर्स वर एक्सीलेंट अच्छा प्लेयर स्पॉट करने में उनको बहुत कम टाइम लगता टू वन यंग बॉय ऑफ फोर्टीन ईयर ओल्ड प्लेइंग इन देशप्रिय पार्क इन कैलकटा इन द फिफ्टीज वन मोहन ऑफिशियल स्पॉटेड हिम यार तू तो अच्छा खेलता है तेरा नाम क्या है मेरा नाम चुनी गोस्वामी है hmm. तू कल से मेरे क्लब में आ जाना दैट वॉज द स्पॉटिंग टैलेंट अब वो भी उनको खत्म हो चुका है तो यही यही तो सी आई यू जस्ट सेट की इट इज इन कंप्लीटमेस क्रिमेंडसमेंस So, the, it, has, it has brought them to this this level. So, then would you agree, it's 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 possibly the end of an era. The end of an era with what we are seeing with East Bengal and how Quest is coming into the picture. And once East Bengal moves into the ISL, which means more money is coming into the picture. Which means Quest's control over the club, financially is a lot more than what it is right now. The quest is Ques going. Quest is going, sir? Quest is So, then how will East Bengal manage, sir? They've had it? किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता किसी, किसी को तो ढूंढना पड़ेगा पर उनको देखिए क्वेस चाह है hmm. क्वेस का मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज राइट टू से और एनीथिंग क्वेस हैज इफ यू गो थ्रू गो थ्रू देयर हिस्ट्री गो थ्रू देयर बैकग्राउंड सी क्वेस इज नॉट ए नॉट ए व्हाट आई कॉल इट क्वेस इज नॉट ए As Quest is not selling uh, shops or shampoos or. It's not uh, a retail. It's a B company. Uh, yeah, so it's a. It's yeah. a, uh -huh, yeah. a B company. So, उनका आप उनको देखिए प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो चुके हैं एवरीबॉडी इज़ लूजिंग मनी दे आर आल्सो लूजिंग मनी सो इट्स नॉट तो तो वो जा रहा है क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए जब आया था जब ईस्ट बंगाल मोहन बगान आई एस एल में, में इंटर आई एस एल <laughs> ये जब प्रपोजल आया था

मुझे तो लग रहा है कि अब द वे द क्लाइमेट इज राइट नाउ सर फॉरन इन्वेस्टमेंट ही होने वाली है अब आई एस एल में और ये फॉरन इन्वेस्टमेंट आपके विल बी कमिंग कर्टसी ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द लीग बिकॉज दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट इन इंडिया बट दे इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड ओवर सो योर बिजनेस डील हैपनिंग वर्ल्ड ओवर विल बी लाइक ओके वी डन अ बिजनेस डील विद यू वर्थ हंड्रेड रुपीज ऑफ दैट हंड्रेड रुपीज पीस पर्ट वन रुपी

नहीं इन सेंस आई गेस अगर आप प्राइवेट लीग प्राइवेट सिस्टम बना लिया है आपने और आप उसको चला रहे हैं तो फिर तो आपकी चलेगी वही वही मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के हिसाब से अगले सीजन या उसके अगले सीजन या जब भी ये खुलता है तो बीस, आ, नहीं बीस पे तो के सीजन से अगर आ, हम कहते हैं तीन साल बाद तो एक कैलकटा क्लब आएगा आई में या दो तब तक दो ऑलरेडी भाई देखिए दूसरा अगले साल ही होगा अगले साल होगा अगले साल मर्ज हो गया चांसेस आर दैट मोहन बगान एंड ओन बट तो अगर ईस्ट बंगाल अगर ईस्ट बंगाल नहीं रेस कर पाया ये पैसा तो फिर दूसरा स्पॉट का कहा जाएगा ढूंढ और... तो so नहीं 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 हाँ। सकते हैं कितना ढूंढ सकते हैं जो साउथ कोरियन साउथ साउदी अरबियन जो क्या नाम है सब... वो जो ऑयल कंपनी आराम को लाया था वो भी तो बैकआउट हो गया आराम को कहा से आ गया पिक्चर में आराम को मोहन मगान के साथ आना था उदी अरेबिया oh, so पहुंच गई गाड़ी से नहीं वो था कि वो आई थिंक वो आर आई एल वॉज है तो उसका पार्ट था ये पार्ट ऑफ अस्ट सिंगलेंट इज इट वॉज नॉट इन एक्चुअली ना फॉर सम रीजन आप देखिए मैं जितना मैं पढ़ रहा था कि वो कुछ <coughs> कुछ गवर्नमेंट का कुछ रूल है ये है पर पता नहीं क्या है तो उसमें वो हुआ नहीं तो आई एम कोज नॉट कम ईस्ट बंगाल वील हैव टू फाइंड ए स्पॉन्सर विद द हेल्प ऑफ एफ एस डी एल नो प्रॉब्लम अबाउट लेकिन उनको स्पॉन्सर भी लाना है उनको पंद्रह करोड़ का जो भी है बारह पंद्रह करोड़ की फ्रेंचाइजी फी भी देना है पार्टिसिपेशन फी भी देना है फिर ही आ सकते हैं mm. नहीं तो ईस्ट बेंगाल नॉट दैट आई एस एल इज डेस्ट इज

The I League is not one of those trophies, so do you think more that, than won it once? Huh. So East Bengal has not. Do you think that the club's supporters as well as the management will be okay with leaving this league without even having made a mark? Despite the fact that they've been the biggest names in this league, the biggest spenders in this league, they having not won it, do you think that's a badha? No, no, no. They want to play. Yeah. वो चाहते हैं कि हमारे टीम खेलेट कहां भी कहां भी खेले yeah. आई लीग में आई लीग में पब्लिक आ रहा है hmm. आई में और ज्यादा आ जाएगा क्योंकि लोकली मैच होगा hmm. आई लीग का मैच तो नहीं चला गया है कल्याण जाने में तो आपको दो घंटा लग जाता दो है तो में मैच होगा ठीक hmm. है अच्छा है and against as you said against the best teams in the yeah, country yeah, no, as and a best players to, players in the yeah, i want yeah. to see my mm. team pe bhi aayega fir acha aap chahe aap jitna bhi bole mohan bagan east bengal are still the biggest spenders in the i league mm. but when you talk about that whole circle of indian football yeah. usme se kitne top players in dono -do teams ke liye khel rahe hain ever since this division rae. has ever happened nahi khel rahe na sare dekhiye matlab it is now a unwritten law almost that in isl is the gateway to indian for team i don't know that's that's a that's an that's an allegation I cannot prove, but everybody no, knows. No, no. Yeah. I mean, allegation. What is the 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 facts? The names on the team sheet hmm. prove it, na. No?

Huh. तो मैं देख रहा हूं वेर इज माई बेस्ट टैलेंट प्लेइंग उसके उस उसपे फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन ही है जो 11 या 16 या 20 लड़के hmm. जो इस बेस्ट टैलेंट में सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन दे रहे हैं hmm. वहीं अगर मैं देखूं कि सेम थिंग इन लेट्स अग्री दैट द बेस्ट टैलेंट इज नॉट प्लेइंग इन योर लेफ्ट ओवर टैलेंट इज प्लेइंग इन द आई लीग और टैलेंट दैट वॉन्ट्स टू मेक अ मार्क इज इन दी सो विल आई चूज माई टॉप प्लेयर्स फ्रॉम दैट लीग वेर माई बेस्ट प्लेयर्स आर प्लेइंग इन अग कॉल दई एस एल Well, I mean, आई मीन हाँ। तो 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 इंडियन टीम की टीम की की बात 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 कर 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 रहे रहे हैं हैं ना सर डिस्ट्रिक्ट पहले उसमें हिंदुस्तानी लड़के तो खेल ही रहे वो तो आई में भी है नहींबी जस्टिन कनाई नहीं जॉबी जस्टिन शुड बीन इन कैंप लास्ट लास्ट ही वाज स्कोरिंग नौ गोल मारा है इस बार

The national आपका, team. आपका क्या बोल रहे हैं कि, फ, कि, कि से hmm. तो आपका मनवीर सिंह से नहीं चल रहा है आपकी फरुख चौधरी से काम नहीं हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं hmm. कुछ लोग बोल रहे हैं कि चलो को खिला दो अच्छा चलो बलवंत सिंह को खिला दो अरे वो तो क्लब में नहीं खेल रहा है आप देखिए ना वो जो वो जो वो क्या नाम है वो जो ईस्ट बंगाल में, में लास्ट ईयर कोई गोल वोल मारा था रालते ना क्या नाम है जो तीन तीन चार गोल मार, मारा था वो जो अभी हैदराबाद में गया है hmm. क्या नाम है मैं भूल नाम भूल नाम रहा हूं उसको कोई बच्चा है okay. उसका कितना उसको तो बीस मिनट भी नहीं मिला है so यह है कि आप उसको आप उसको खिलाओ तो कि आईएसएल टीम्स आई डोंट ब्लेम फॉर इट एवरी कोच वांट्स द बेस्ट टीम टू टू प्ले एंड दे दे वांट विन हां तो उसमें अगर रॉय कृष्णा ये मतलब जो भी जस्ट इंडिया के लिए प्रोस्पेक्ट है इसके मतलब वो खेलेगा और रॉय कृष्णा नहीं खेलेगा नॉट है नॉट है कहीं नहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं होता hmm. लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्लानिंग होने से अच्छा होता है क्योंकि देखिए अगले साल अगर आई का फॉरेनर्स रूल कम हो जाए इट इज थ्री प्लस वन पे आ जाए देन दिस प्लेयर्स विल बी रेडी तो आप उसको छोड़ दो yeah. आप उसको लोन में दे दो जैसे कि जैसे अभी इसने किया है कल दट अगेन आई थिंक ही इज और डिका जो बैंगलोर ने किया है बैंगलोर का जो डिका नाम के प्लेस टूट बेंगलोर बैंगलोर फर्स्ट डिविजन यस एंड तो अभी उसको बैंगलोर ने छोड़ दिया ईस्ट बंगाल में जाएगा सो ही विल गेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फाइव सीजन पच्चीस मैच उसको मिलेगा हुँ. तो वो रेडी रहेगा अगले साल जब अगर फॉरिनर्स कम हो जाए हुँ. तो बैंगलोर विल टेक हिम बैक उस लिहाज से ईस्ट बेंगाल का आप कह रहे हैं क्योंकि अगर वो अपने फाइनेंशियल जो नहीं किए और मोहन बगान ने जिस तरीके से भी शॉर्ट आउट कर लिए अब जो आगे प्रॉब्लम आएगी वो आगे देखा जाएगा

वह स्पॉन्सरशिप मनी कम्स इन ऑल्सो लुकेट दी इकोनॉमिक स्टेट द कंट्रीज इन राइट नाउ अगर किसी के पास जब क्या होता है जब मंदी आती है सबसे पहले मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बजट काट देते हैं राइट और जब क्रिकेट पर इतना लोड है और क्रिकेट के एडवर्टाइजिंग प्राइस स्लॉट्स टेलीविजन पे हो गया रेडियो पे हो गया जहाँ भी हो गया इतने हाईली प्राइज हैं स्पेशली इंडिया के लिए बाकी के लिए स्पोर्ट्स के लिए किसी के पास पैसे बचते ही नहीं है तो फिर आपके पास इक्के दुक्के रह जाते हैं जैसे जिनके पास या तो इतना बड़ा बैकिंग है

खर्चा मतलब मैं मैं बता हूं आपको अगर आपका एक आई लीग मैच कराने में आपका ऑपरेशन कॉस्ट होता है टीम का तीन लाख बस बस ये वो सब कुछ, कुछ। देना पड़ता आई आईएसएल का पंद्रह लाख पंद्रह लाख यस yes. ऑपरेशन कॉस्ट

शेयर इस साल से बढ़ने वाला है मैंने जितना सुना है अभी कितना था सेंट्रल रेवेनशिया था नॉर्थ का करोड़ दस करोड़ hmm. वो बढ़ते बढ़ते उन्नीस करोड़ तक पहुंच पहुंच जाएगा इसका मतलब कि मोहन मगन ईस्ट बंगाल मोहन मगन ए मोहन मगन जो पंद्रह करोड़ देगा वो वापस भी आ जाएगा एक्चुअली hmm. hmm. तो वो अगर लेकिन जैसे कि सिद्धार्थ बोला कि आप जो जैसे कि ऑल ओवर दी कंट्री दी 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 बिजनेस इज डाउन तो दो साल बाद क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम अभी तक तो ठीक है चल चल रहा है लेकिन खर्चा कम होगा क्योंकि इन्फ्लेटेड कॉस्ट बहुत है इंडियन फुटबॉल में कम से कम अभी तक आई कैन नेम यू एटलीस्ट टेन प्लेयर्स हु आर गेटिंग मोर देन वन सीयर फॉर तो ऐसे ही अबाउट इंडियन प्लेयर्स एटलीस्ट एट टू टेन प्लेयर्स आर आर मोर देन वन सीयर सी आई डोंट देम लेट देम गेट देयर मनी बट इज इंडियन फुटबॉल वर्थ इट आप मुझे सोच के बताओ ड्रॉ हो जाता है आपका अफगानिस्तान से ड्रॉ हो जाता है यू हैव गॉट दी मतलब इन हिस्ट्री एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू दिड राउंड ऐसा ग्रुप हमको मिला सकते भी खो दिया इतना बढ़िया ग्रुप थाज ट्रू इट इज ऑलमोस्ट ए साउथ एशियन ग्रुप एंड एंड वन टीम ऑलरेडी क्वालिफाइड यू डन दार्ड जॉब ऑफ ड्रॉइंग अगेंस्ट कतर वन टीम आपको क्या करना था आपको सिर्फ ओमान को किसी तरीके से इधर उधर करना हाँ। था हाँ ये ना और बाकी जो तीन टीम है उनसे तीन तीन बारह पॉइंट आपको लेना था आप ले ही नहीं पाए यही तो बात कर रहे थे हम बांग्लादेश वाला जब गेम हो रहा था तब तो यही बात कर रहे थे कि एक तरफ आपके पास सपोजिटली ना हो बड़े स्टार्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं जो लीग देख रहे हैं विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बीइंग द मोस्ट वॉच्ड लीग इन

सब कुछ ठीक है आपका फ्लैशी ये सब जो भी हो रहा है ब्यूटीफुल ग्राउंड ये टेलीविजन कवरेज आपको रियलिटी चेक होना ही है रियलिटी yeah. चेक नहीं होगा तो ये होगा एंड लास्टली आई विल टेल यू एटलीस्ट वन थिंग विच आई ऑलवेज ऑलवेज थॉट कि आपके आपके जो लीग है जो आपके टूर्नामेंट्स है जो ये तो आपका प्रमोशनल है ना इसमें hmm. से आपका इंडिया टीम बनता है इस हैज टू बी रन बाय द नेशनल फेडरेशन

मैं हालांकि मैं कोई बड़ा तिगड़ा हूं ढूंढ दिया जाएगा कैसा ढूंढा जाएगा वो मुझे नहीं पता बट ईस्ट बंगाल मोहन बगान आपके आई में अगले सीजन आ रहे हैं वरना सर इट ड मेक सेंस एट ऑल कि आप एक को वहां आई लीग में रखो एक को वहां आई में रखो या तो अगर आप कहो कि मैं आपके वेवर डाल दूंगा कि आप पंद्रह करोड़ बाद में दे देना hmm. नहीं उन्होंने तो बोला है कि पंद्रह करोड़ आप जो अंडरस्टैंडिंग है 15 करोड़ दे दो आप सेंट्रल रेवेन्यू से उससे ज्यादा आपको वापस दिया जाएगा लेकिन शुरू का तो दे दो बाबा हां एटलीस्ट बुक बुक ट्रांसफर तो कर करके कर दिखा दो तो ये नहीं तो बाकी लोगों के सामने हम क्या बोलेंगे जाके ये <laughs> ये ब, बुक बुक वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता है बहुत बड़ा सर्कल जो बना लिया है <laughs> और यही चल रहा है कैशलेस होता है ना <laughs> <laughs> See, as well. I think Bitcoin, let's talk about Bitcoin on the next episode. Huh. Next episode. Next episode by uh, sir, firstly, thank you so much for coming on the show, sir. Thank you so much and thank for you. giving out all this info. Really, really thank nice you. stuff that we've uh, heard about this.

कि अब अगला एपिसोड एक महीने बाद नहीं होगा मैं वादे तो बहुत करता हूँ मैं पॉडकास्ट भी प्रॉमिस किया था हाँ। एक हर हफ्ते एक आए, भी आए होता है। सर। हाँ आते ही नहीं है हमारे दिग्गज खिलाड़ी क्या <laughs> करें हाँ कोई क्रिकेट कर रहा है कोई कुछ और कर रहा है महल बनाने करें? हमने हाँ? <laughs> <laughs> महल बनाने तो नहीं तो मैं अकेले ही बैठ जाऊंगा फिर देखिएगा नहीं तो जयदीप सर को पकड़ लेंगे वील कीप कॉलिंग सर नाउ नाउ वील कॉल सर वंस वी गेट टू नो ऑफ कोर्स एक तो ये मोहन बगान वाला पूरा हो जाएगा And also whether these two teams will be joining in the ISL next season or not. And for is there a is there a time limit, cut off? There is no time limit, but it should happen any any day. Now, no, now. for East Bengal as well to. Uh,

you <laughs>